as a premier organization of the country, whether it should speak in English or Hindi? Hindi में. जो NTPC, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, इस देश का एक अग्रणी संस्थान है, जो देश की सेवा में संलग्न है, देश को बिजली की आपूर्ति करता है. और जो NTPC का योगदान है वो 17% हमारा जनरेशन का कैपेसिटी है, जो इंस्टॉल कैपेसिटी है उसमें हम लोग 26% का योगदान देते हैं. तो ये इस चीज को दर्शाता है कि जो हम पावर प्लांट चलाते हैं वो हमारे कोल प्लांट हैं, हाइड्रो प्लांट हैं, सोलर प्लांट हैं, विंड प्लांट हैं, वो सब जो हैं अपनी जो मैक्सिमम क्षमता है उसको यूज करते हैं. उसी कड़ी में महाराष्ट्र में जो हमारा शोलापुर पावर प्लांट है उसमें 2 यूनिट है, जो हर एक यूनिट 660 मेगावाट की है, 1320 मेगावाट हम पावर जनरेट कर सकते हैं यहाँ से. और NTPC ने जो महाराष्ट्र को पावर एलोकेशन है उसमें 10% एलोकेशन NTPC का एज ए होल है, जो कि किसी भी और स्टेट से ज्यादा है. तो NTPC ने हमेशा महाराष्ट्र को अपने नजदीक पाया है और उसी के हिसाब से पावर एलोकेशन भी रहा है. हम शोलापुर की बात करें तो शोलापुर में जितना भी हमारा इंस्टॉल कैपेसिटी है, जितना भी पावर जनरेशन है, उसका आधा 50% जो है वो महाराष्ट्र के लिए है. महाराष्ट्र को हम पावर देते हैं, महाराष्ट्र के अलावा हम गुजरात को, गोवा को, DNH को और स्टेट्स को भी पावर देते हैं जितना उनका रिक्वायरमेंट रहता है. जो पावर का जनरेशन रहता है, जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि पावर का जो जनरेशन है और कंजम्पशन है वो रियल टाइम बेसिस पे होता है, आप उसको लार्ज क्वांटिटी में कहीं स्टोर नहीं कर सकते. तो जितना पावर का कंजम्पशन का रिक्वायरमेंट होता है, दिन में ज्यादा होगा तो ज्यादा पावर जनरेट की जाती है, रात में कम होगा तो उसी हिसाब से यूनिट चलाई जाती है. और हम जो है शोलापुर जो पावर प्लांट है वो केवल महाराष्ट्र को पावर ही नहीं दे रहा है, बाकी और स्टेट्स को भी दे रहा है. और इसी कड़ी में मैं कहूँ कि पावर जनरेशन के अलावा हम जितने भी हमारे आसपास के विलेजेस हैं, जितने भी लोग हैं, उन सब में चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे सैनिटेशन हो, उसमें हम लोग डिफरेंट डिफरेंट जो हमारे प्रोग्राम है उनके थ्रू हम योगदान देते हैं. हम लोगों को यहाँ पे ट्रेनिंग देते हैं जिससे कि उनको केवल NTPC तक या महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहे, वो आने वाले टाइम में देश के दुनिया के किसी भी जगह पे काम करने में सक्षम रहे, ये हमारा प्रयास रहता है. इसी कड़ी में जो मेडिकल रहता है, मेडिकल में जितने भी हमारे साथ में हमारे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर रहते हैं उनका हम मेडिकल चेकअप कराते हैं. जिस टाइम वो ज्वाइन करते हैं उस टाइम मेडिकल चेकअप होता है, बाद में भी मेडिकल चेकअप होता है. नियर बाई एरिया में जितने लोग होते हैं उनके उनको जो मेडिकल का रिक्वायरमेंट रहता है वो भी हम टाइम टू टाइम मीट करते हैं. जहाँ तक शिक्षा का क्षेत्र है वो हमारे लिए प्राथमिक का क्षेत्र है, तो जितने स्कूल हैं जिला परिषद के जो 52 स्कूल हैं उसमें हमने डिजिटलाइजेशन की बात की है, डिजिटलाइजेशन का काम हुआ है. और जो हमारा गर्ल एम्पावरमेंट मिशन है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगा. उसमें हम लोग जो विलेजेस हैं वहाँ से गर्ल्स को सेलेक्ट करते हैं, जो कि वहाँ के जो प्रतिनिधि हैं वो बताते हैं कि इन गर्ल्स को, उनको 4-5 गर्ल्स फ्रॉम ईच विलेज रहेगी, जिससे कि जो हमारा मिशन है, जो हमारा प्रोग्राम है वो वर्ल्ड वाइड बेसिकली या पूरे महाराष्ट्र में फैले. तो वहाँ पे हम उनको बुलाते हैं, उनको एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो होता ही है कि मान लीजिए मैं बात करूँ फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की, लैंग्वेज की बात करूँ,